अभी आरआरक्यू का स्क्वाड भी रोटेशन डालता हुआ नजर आ रहे, देखते हैं उन लोगों को भी पता है लकावी से ये जोन बहुत ज्यादा दूर है, तो जो भी गन मिले आपको आप लेके निकल लो। और यहाँ पर ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स के लिए मुश्किल हो सकती है, पानी में वो जरूर अगर आईएनटी स्पॉट कर लेते हैं, स्पॉट किया भी उन्होंने पानी के अंदर, यहाँ पर ग्रेट्स ऑलमोस्ट बन सकती है, स्काउट को ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, बटन सामने स्काउट आए जरूर थे, उनको टेक डाउन किया गया, वीरू को टेक डाउन किया गया, आईएनटी के पास एक अच्छी फाइट आती है, पीछे से उनके ऊपर भी गोलियां चल रही है, आप गिल को देख सकते हैं, गिल का पर्सपेक्टिव, बट ग्रेट हाउस वहां पर अपने किल्स निकालना चाहिए, एक और प्लेयर को स्पॉट किया जा चुका है, ऑरेंज रॉक को तीसरा झटका यहाँ पर लगता है, गिल अकेले बचे हैं, वाटर आपकी मूवमेंट स्लो करता है उसका एक परफेक्ट एग्जांपल, और साथ के साथ ऑरेंज रॉक का एलिमिनेशन यहाँ पर होता हुआ। एक प्लेयर के लॉस में आप पूरा स्क्वाड खा गए हो सामने वाले का, एंड ऑरेंज रॉक जिस तरीके से यहाँ पे वो लोग आए थे उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, एंटीसिपेट नहीं करा था, जिस तरीके से टीम आईएनटी इतना जल्दी आ गया, वो लोग यही एक्सपेक्ट करे टीम आईएनटी शायद कैंप अल्फा में होगी, जिस चीज की मैंने अभी चर्चा करी, जो डिस्कशन करा था मैंने अभी, टीम आईएनटी जो निकल के आई है इतना जल्दी, तो उनको एडवांटेज है, एक्जैक्टली सेम तीन मिनट के अंदर ही हम लोगों को देखने को मिला वही सेम चीज, बट क्रेटोस जो आई जल्दी इस वाली फाइट में तीन किल निकाल के गए आउट ऑफ दोस फोर।